हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंडी रिएक्शन। आज फिर एक और वीडियो आप लोगों के साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है तेजाज एक्सप्रेस डॉक्यूमेंट्री है। कोई तेजाज एक्सप्रेस ओके, कुछ एयर होस्टेस का भी है और ट्रेन का भी है, अब बाकी हिंदी में कुछ बाकी हिंदी में कुछ है वो आप लोगों को बेहतर समझ आ जाएगी। सो लेट्स सी, ओके स्टार्ट करते हैं। जल्दी पहुंच गया था इसीलिए मैंने फैसला लिया आराम फरमाने का। जी हाँ, ये कोई 5-स्टार होटल का लॉन्च नहीं बल्कि है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे एग्जीक्यूटिव लॉन्च अजमेरी गेट की तरफ। ये किसी भी रेलवे के पैसेंजर को उपलब्ध है, आपको केवल अपना पीएनआर नंबर दिखाना है रिसेप्शन पर। इस लॉन्च की सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए मुझे ₹200 खर्च करने पड़े। ₹200 में आपको स्टैंडर्ड फीचर्स और ₹600 में आपको एग्जीक्यूटिव क्लास फीचर्स उपलब्ध है। बहुत ही आरामदायक और मजेदार जगह थी ये। खास बात यह है कि अगर आप तेजस एक्सप्रेस से ट्रैवल कर रहे हैं तो तेजस एक्सप्रेस की टिकट दिखाएं और आपको डिस्काउंट मिलेगा जो किसी और ट्रेन से ट्रैवल करने वाले पैसेंजर को नहीं मिलता। है ना बेहतरीन चीज। प्लेटफॉर्म और बेहतरीन ये बात भी है कि इसका खाना जो है बहुत ही उमदा था। आइए आपको खाने के दर्शन करवा दे। ये सब वेजिटेरियन बुफे की आइटम्स आपके सामने इस वक्त। काश मैं आपको इनकी फ्रेग्रेंस या फिर अपनी भाषा में कहे तो अरोमा स्मेल करवा सकता। बहुत ही उम्दा खाना था, खा के जी भर गया और फिर आई नींद तो मैं चल पड़ा रिक्लाइनर्स और काउच की तरफ। जी हाँ, आपके एग्जीक्यूटिव लॉन्च में आपके लिए है रिक्लाइनर्स रेस्ट करने के लिए, काउचेस स्पा वाली फीलिंग के साथ अंधेरा करके आपको आराम से एक सपनों की दुनिया में ले जाने के लिए काफी है। पर हाँ, सपनों में याद रखिएगा कि आपकी ट्रेन मिस ना हो जाए तो अलार्म जरूर लगा लें। तो दोस्तों, अगर इससे भी आपका जी नहीं भरा तो आपके लिए है मसाजिंग रिक्लाइनर्स। जी हाँ, आपकी खुशी आपके हाथों में। लीजिए रिमोट और दबाइए बटन और आनंद लीजिए मसाज का, खुदकुशी का। खुदकुशी का। अब मेरी ट्रेन का वक्त हो चला 3:30 शाम की, ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलती है तो आइए ट्रेन बोर्ड कर ले। दोस्तों, रास्ते में 2 स्टेशन पर ये रुकेगी, गाजियाबाद और कानपुर। डेस्टिनेशन होगी लखनऊ और अंदर इसकी आइए आपको इंटीरियर्स का दर्शन कराएं। लगेज स्पेस काफी है ऊपर, जी भर के सामान लेके आए और रिक्लाइनिंग बेहतरीन मुलायम सीट्स वॉल्वो की तरह रिक्लाइन भी होती हैं और आपके पास थाई पैड रेस्ट करने के लिए एकदम वॉल्वो बसेस की तरह। लाइट्स ऊपर दी गई पढ़ने के लिए और साथ में हेल्प बटन। ट्रेन होस्टेस आपकी सेवा में उपलब्ध है। हम ये जब हम प्रेस करते हैं तब हाँ जी? आप जी फर्स्ट, मैं इस ट्रेन की मैनेजर हूँ एंड ओके व्हेन यू कॉल दिस हमारी जो क्रू होगी आप इसको शी विल कम टू यू एंड यू विल डिस्कस ऑल योर प्रॉब्लम्स। देयर विल बी 2 क्रूज फॉर दिस कोच एंड जब भी वो प्रॉब्लम आपको कोई भी हो देन यू विल फ्री टू प्रेस दिस टू आपकी सर्विस स्टाफ। लेडीज बैग या जैकेट हो तो हैंग करने के लिए हुक्स बहुत ही समझदारी से दिए गए हैं और काफी इंप्रेसिव है। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान के अतिरिक्त ट्रेन को स्वच्छ रखने के लिए ऑटोमेटेड, जी हाँ ऑटोमेटेड डस्टबिन। बस आप खड़े हो जाइए सामने, डस्टबिन खुद ब खुद खुलेगा और जैसे ही आप पास कर जाएंगे फ्लैप खुद ब खुद नीचे ताकि गंदगी ना फैले। दोस्तों, डिस्पेंसर्स हैं सोप के इसके अंदर ऑटोमेटेड जैगुआर क्वालिटी के और बाथ फिटिंग्स भी। टॉयलेट है बायोडिग्रेडेबल यानी कि वैक्यूम उपयुक्त, पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इसके अंदर फ्लश करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं अपने कोच की तरफ। कोच को डिफरेंशिएट करते हुए दरवाजे ऑटोमेटेड सेंसर से खुलते हैं और बटन्स भी दिए गए हैं इमरजेंसी के लिए। अब अपनी सीट ले ली मैंने और ट्रेन है चल पड़ी। एयर फ्लाइट्स में अगर आपने ट्रेवल किया है तो आपको पता होगा कि वहां पर ट्रॉलीज होती हैं, ट्रॉलीज में आपका खाना सर्व किया जाएगा बहुत ही अच्छे
बिंदास तरीके में। और ये आपकी ब्लाइंड्स, हर एक कस्टमाइज ब्लाइंड हर पैसेंजर के लिए, ऊपर करें नीचे करें और जैसा मर्जी जिंदगी का आनंद लें। खैर दोस्तों, 4 बजे मुझे दिया गया ये डेल मोंटे का जूस। चॉइसेस थी गुवावा और पाइनएप्पल में, मैंने गुवावा चूज किया क्योंकि मैं थोड़ा मिजाज मेरा कुछ गुलाबी सा हो गया आजकल, ऐसी ट्रेनों में ट्रैवल कर करके मजा ही आने लग गया जिंदगी का। आप यकीन मानिए आपको पता नहीं लगेगा जैसे ही आपका ट्रेन का सफर शुरू होगा कब 6 घंटे बीत जाएंगे, खाने पीने में ही आप बिजी होने वाले हैं, इस बात की मैं आपको गारंटी दे दूं। 5 बजे दोस्तों हमें प्रोवाइड किया गया स्नैक मील। स्नैक मील के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें दी गई, चाय और कॉफ़ी के ऑप्शंस भी उपलब्ध थे। आइए आप खुद ही आजमा लीजिए इसे। आईआरसीटीसी तेजस एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों का धन्यवाद। आपकी यात्रा को और यादगार बनाने के लिए आईआरसीटीसी ने अपने कुछ यात्रियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। प्रथम पुरुष यात्री जिसने नई दिल्ली से आईआरसीटीसी तेजस एक्सप्रेस में यात्रा टिकट कराई है। प्रथम महिला यात्री जिसने नई दिल्ली से आईआरसीटीसी तेजस एक्सप्रेस में यात्रा टिकट कराई है। पहले सीनियर सिटीजन जिन्होंने इस ट्रेन में आज आईआरसीटीसी तेजस एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा टिकट कराई है एवं फर्स्ट चाइल्ड जिसने आज तेजस एक्सप्रेस में टिकट कराई है। प्रथम पुरुष यात्री जिसका नाम है श्री तन्मय राय, कोच नंबर C4 सीट नंबर 34। अभियांशी कोच नंबर C4 सीट नंबर 31। प्रथम महिला यात्री सिटीजन श्री टी पी हवेलिया, कोच नंबर C3 बर्थ नंबर 45। हवेलिया कोच C3 सीट नंबर 45। सैंडविच हुआ है। हमें IRCTC के द्वारा की चेन्स भी दी गई हर पैसेंजर को। और ठीक 7:30 बजे आपको प्रोवाइड किया जाएगा डिनर। डिनर की क्या तारीफ करूं मैं, वेज और नॉन वेज के 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हमने वेज प्रेफर किया। और इसके अंदर आपको दी गई उत्तम क्वालिटी की डिशेस, परांठे एकदम करारे और मुलायम एट द सेम टाइम, एकदम घी में लपेटे हुए स्वादिष्ट। और साथ में दी गई इसके साथ कटलरी उत्तम क्वालिटी की, फॉक नाइफ और स्पून। क्या बात। खाना खाने के बाद माउथ फ्रेशनर भी दिया गया। अरे बात। और हाथ पोछने के लिए हैंड सैनिटाइजर भी। अरे बात। क्या बात। खाने के लिए मिला हमें वेज मील्स के अंदर दाल, शाही पनीर, अरे बात, एरोमेटिक राइस, फ्रेग्रेंस अमेजिंग, और भिंडी की सब्जी, साथ में दही और आइसक्रीम भी। माय नेम इज सुरेश कुमार, अध्यक्ष शुक्ला। तो कैसा रिव्यू आपका ट्रिप के बारे में? बहुत अच्छा लगा जो है। क्या-क्या अच्छा लगा? मतलब टाइम वेरी प्रॉपर टाइम पे मतलब पहुंचना जो है, पंक्चुअलिटी एंड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और मतलब काफ़ी प्रोफेशनल सब देखा हम लोग को, जितना एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी उस हिसाब से, काफ़ी सफाई का भी काफ़ी अच्छा था।
ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। वाओ फैक्टर या सरप्राइजिंग फैक्टर जो मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था, जैसे क्योंकि फर्स्ट जर्नी थी तो मतलब वेलकम ही बहुत अच्छा था हम लोगों का फूल वगैरह से, तो ये भी एक अलग चीज़ थी। और ओवरऑल भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ गड़बड़ अभी लगाओ, पहली जर्नी में तो सब सही लगा भी था। सबसे बड़ी बात गाड़ी का टाइम से पहुँचना जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हम लोग के जीवन में टाइम, और दूसरी चीज़ मीन्स एक्सेलेंट सर्विस कि मैंने जो चीज़ नीड हुई मुझे मुझे तुरंत प्रोवाइड की गई। यूनिक क्या लगा? यूनिक प्राइवेट ट्रेन है। हाँ, यूनिक एक्सपीरियंस क्या कहूँ, यूनिक एक्सपीरियंस ये लगा मतलब कि हर ट्रेन इसी जैसी होनी चाहिए। अगर व्यक्ति उतना पे करे से जस्ट लेके शिकाग गई, हम उतना पे करके हैं लेकिन हम जो एक्सपेक्ट करके हैं वो हम इसमें नहीं गएगा। इसमें हमने 1650 अगर किया है, 1650 जो मैंने करेंगे बिल्कुल में कराया था तो वर्क है, बाकी उससे कहीं ज़्यादा था। ये अच्छी बात, खाना 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 अच्छा था। खाने में क्या आपने वेज लिया? वेज वेज लिया। सबसे पसंदीदा चीज़ कौन सा? पनीर, पनीर की करी चाहिए। जी जी। और उसके बाद? और बस मतलब कर्ड वगैरह मिला जो है, सब खाने में सब कुछ सही था, बहुत अच्छा लगा जो है। सुरेश जी कोई कंप्लेंट्स आपकी? नहीं अभी तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, मतलब कोई कंप्लेंट नहीं। और सबसे यूनिक क्या लगा आपको ट्रेन के बारे में? यूनिक है मतलब जो है कह सकते हैं या बिल्कुल प्लेन जैसी फीलिंग आई। दिस वाज माय फर्स्ट टाइम, वेलकम, वेरी वेरी। हाँ, बहुत सारी सुविधाएं फैसिलिटीज वगैरह बहुत अच्छी थी। थैंक यू। खाना भी अच्छा था, खाना शताब्दी से मुझे बेटर लगा काफ़ी। आपने वंदे भारत एक्सप्रेस? नहीं, वंदे भारत में तो नहीं करा है, मैं शताब्दी में करता रहता हूँ, उससे कंपेरिजन में तो मुझे इंटीरियर भी अच्छा लगा। मेरी हालत होती है सफर में। और कुछ बोलना चाहेंगे? और बोलना चाहूँगा कि लोगों को करना चाहिए फिर इसमें ट्रैवल, पहली कॉर्पोरेट ट्रेन है तो सही है, मतलब डेफिनेटली एक अच्छा स्टेप है, सही डायरेक्शन में एक स्टेप है। थैंक यू। कैसा लगा आपको खाना? एक्सेलेंट। आपने वेज ऑप्शन दिए थे? वेज वेज किया जी। जी यस यस किया। कंपेयर करेंगे तो कौन सी बढ़िया लगी आपको? यस केजस, यस। So excited कि मैं आपसे बात किया मैंने। मुझे भी आपसे फर्स्ट टाइम मिली हूँ, बट बहुत अच्छा लगा, ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली मुझे आपसे मिलकर, और मैं चाहूँगी आपसे ऐसे ही मिलती रहूँ। बहुत वाकिनों को कभी नहीं देखा, और मैंने ऐसी इतनी शायराना किस्म का व्लॉग भी कभी नहीं देखा। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अगर आप मजीद वीडियोस जाके इनको देखना चाहें। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो आप मजीद व्लॉग्स भी ज़रूर जाके देखें, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद इनके व्लॉग डायरेक्टली आपके नोटिफिकेशन पर मिलते रहें। तेजस एक्सप्रेस फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन इज यूनिक इन मेनी वेज। एग्जैक्टली। और बहुत मुझे थोड़ी वो एयरप्लेन वाली एयर होस्टेस का मतलब मुझे समझ आया, थोड़ी उस तरह वाली फीलिंग थी। इन्होंने लिखा है एयर होस्टेस तो कहीं ना कहीं रिलेट हो रही है वो। हाँ। बाकी हिंदी में वो समझ नहीं आ रहा राइटर। एयर होस्टेस ट्रेन के साथ मैच नहीं करता था, लेकिन आप मुझे समझ आइए कि वो क्यों एनालॉजी क्यों बनाई गई है, उस हिसाब से ये है। और ऑल दोज पीपल हु वॉच आवर वीडियोज एंड डोंट नॉट सब्सक्राइब, बहुत बुरी बात है, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें यूट्यूब ने बताया कि भाई आपके 10 में से 8 व्यूअर्स जो हैं वो आपको सब्सक्राइब नहीं कर रहे और वीडियोज देख लेते हैं, बहुत बुरी बात है। अगर आप इस चैनल का ही नहीं थोड़ा एनालिटिक्स में घुसोगे ना तो वो मिल जाएगा। खैर, अगर आप किसी भी चैनल की वीडियो देखते हैं और रेगुलरली देखते हैं, आपको उनका कंटेंट पसंद आता है तो डू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन। अगर आप नोटिफिकेशन से तंग है तो कोई मतलब नहीं, नोटिफिकेशन ऑफ कर दें बट उनको सब्सक्राइब जरूर करें, ये अच्छी बात, ये अच्छी ब्लैकमेलिंग है लुकमान की तरफ से, लेकिन जरूर सब्सक्राइब करें, आपको सब्सक्राइब करना चाहिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं। और कोई और वीडियो आप चाहते हो कि हम देखें तो लिंक उसका कमेंट में भेज दें, हम कोशिश करेंगे देखें। और आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सब्सक्राइब। खुदा हाफिज़।